भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर सेवा भाव समिति ने इंद्री के विश्राम गृह में पौधारोपण करके उनको नमन किया है। इस अवसर पर विधायक रामकुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सेवा भाव समिति ने करनाल जिले में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि आज वातावरण के बदलते परिवेश के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की वजह से ही बरसात होती है, पेड़ों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से हम कई प्रकार की भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि हमें अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए। पेड़ हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ पौधा अवश्य लगाना चाहिए। सेवा भाव समिति ने हमारा एक लक्ष्य है डिस्ट्रिक्ट करनाल का कि हम यहाँ पर 5100 पौधे लगाएंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट करनाल में, और अभी हमने विधायक साहब के साथ मिलकर अभी हमारी संस्था ने कुछ पौधे लगाए हैं, उसके लिए हम विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी सेवा भाव समिति है, ये डिस्ट्रिक्ट करनाल में जितने भी बल गरीब समाज के बच्चे हैं उनको कापी किताबें और रबड़ बांटेंगे, और जिन बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट करनाल में प्लस टू में और मैट्रिक में सर्वप्रथम स्थान पाया है उनको हम एक विद्यार्थी समारोह करेंगे जिसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और विधायक साहब भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और हमारी संस्था है 2014 से सेवा भाव समिति सामाजिक कार्य करती रही है और करती रहेगी। और हमारी समाज की जो संस्थाएं हैं, ये संस्था जो इसके द्वारा काफ़ी बच्चियों की शादी भी की जाती है, जो गरीब बच्चियाँ होती हैं उनकी शादी भी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट करनाल में लगाए जाएंगे सरकारी संस्थानों में, और जहाँ पर धार्मिक स्थल होंगे या जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे, फलदार भी होंगे और छायादार भी होंगे, जिससे जो प्रदूषण होता है उसमें शुद्धिकरण हो सके, इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और प्रदूषण के बारे में मतलब काफ़ी परिवर्तन होगा, और जिससे छाया और फल मिलेंगे और लोगों में प्रदूषण से राहत मिलेगा। धन्यवाद। जो हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, उनका आज पुण्यतिथि भी है, उस पुण्यतिथि के अवसर पर आज एक संस्था है, वो जो रमन उड़ाना से उनके नेतृत्व में संस्था बनी है, उस संस्था ने जो है पेड़ रोपण करने का काम किया है। उनकी संस्था ने आज उनके संस्था ने यहाँ पर ही मेरे हम सब की मौजूदगी में 51 सेवा भाव समिति है 51 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। कुछ पेड़ तो आज 5-7 के लगभग पेड़ तो मेरी मौजूदगी में हम सभी जो हमारे कार्यकर्ता उनकी मौजूदगी में लगे हैं, और मुझे विश्वास है वो जो संस्था है इसी प्रकार से प्रदूषण को बढ़ाने में संरक्षण करने में ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करेंगे। तो ये भी एक खुशी का मौका है आज, मतलब अब्दुल कलाम जी पुण्यतिथि है। सबसे बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि उनको यही सकती है, जो प्रदूषण की समस्या है हर एक नागरिक जो समस्या को दूर करने में अपना योगदान करे, पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे ही नहीं लगाए उनके मतलब मेंटेन भी करें, उनकी सुरक्षा भी करें। जब ऐसा हम सभी करेंगे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हम निश्चित तौर से कह सकते हूँ पेड़ ही पेड़ यहाँ पर होंगे, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा और हम जितनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही उससे दूर रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.